उस बातों पर बात करूंगा। एससी एसटी के राइट्स क्या है? कई राइट्स हैं, उसका मुख्य स्रोत है आर्टिकल 46, उसके मुताबिक डेवलपमेंटल राइट्स और प्रोटेक्शन राइट्स। इसमें दो में पॉलिटिकल राइट्स अलग है, उसके बारे में अब यहां नहीं कहूंगा, लेकिन डेवलपमेंटल राइट्स और प्रोटेक्शन राइट्स। प्रोटेक्शन राइट्स के लिए एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में बना, उसका कॉम्प्रहेंसिव संशोधन अमेंडमेंट 2015 में बना और मजबूत हुआ। फिर भी खामियां हैं, खामियां होते हुए भी उसको अच्छी तरह उसका उपयोग करना चाहिए जिससे प्रोटेक्शन मिलेगा। उदाहरण के तौर पर दो बातें मैं कहूंगा। संशोधित कानून में दो मुख्य प्रावधान है। एक है हर एक जिले में सिर्फ एट्रोसिटीज केस के ट्रायल के लिए एक एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। तो फोरम को और आप सबको ये देखना चाहिए आपके स्टेट में बनाए, नहीं तो आपके मुख्यमंत्री से ये उठाना पड़ेगा, मुहिम चलाना पड़ेगा। दूसरा, हर साल में दो बार एक स्टेट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमिटी का मीटिंग होना है। जनवरी में और जून में, ये भी शर्त है, कानून में है, रूल में है, कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं किया है, ये भी मांग करना पड़ेगा। एक किसके लिए, केसेस क्या है, कैसे चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं क्या, जल्दी हो रहे हैं क्या, इस तरह की बातें हैं। और भी कई बातें हैं, वो कानून पढ़ लीजिए, जिसको नहीं मिला है मैं दिलाने के लिए तैयार हूं। फिर हम आते हैं डेवलपमेंटल राइट्स। अगर राइट्स का फायदा उठाना हो तो जिनको राइट्स नहीं था पहले, नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, अब भी वो हासिल नहीं हुआ, उनको मजबूत बनाना पड़ेगा, कमजोर को मजबूत कराना पड़ेगा। तो कैसे कमजोर को मजबूत बनाना है, हमें देखना है शेड्यूल कास्ट कहां कहां है। पहले तो सभी मजदूर थे, अब भी ज्यादातर खेत मजदूर ही हैं, और शहर में जब आते हैं शहर में अनऑर्गेनाइज्ड असंगठित मजदूर हैं, लेकिन यहां जो बैठे हैं वो इसे शिक्षा प्राप्त आधुनिक पीढ़ी भी है। तो हर एक के लिए अलग अलग टॉनिक देना है। अध्यक्ष बोल रहे थे कि हमारे समस्याएं ज्यादातर गांवों में है, देहातों में है, वहां का हालत क्या है, शेड्यूल कास्ट के पास जमीन नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के पास जो जमीन था वो दूसरे हड़प रहे हैं, हड़पते चलते आए हैं, अब भी चल रहा है। ये वादा था राष्ट्रपति से, वर्तमान राष्ट्रपति नहीं, पिछले राष्ट्रपति, लेकिन जो भी राष्ट्रपति वादा करे वो बाइंडिंग है देश के लिए। तो एक राष्ट्रपति ने 2004 में ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में ये वादा किया कि शेड्यूल कास्ट ट्राइब सभी को खेती का जमीन दिया जाएगा। वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो जब तक पर गांवों में जिसके पास जमीन नहीं है, जो मजदूर है उसको सम्मान नहीं, सम्मान मिलना हो तो जमीन मिलना चाहिए, भूमि नहीं रहना चाहिए। तो इसका मुहिम, जमीन है इसका सबूत, मेरी ही बात नहीं, गवर्नरों का एक कमेटी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पी सी अलेक्सेंडर थे, महाराष्ट्र के गवर्नर राज्यपाल, और पहला दलित राष्ट्रपति के आर नारायण ने इसको साबित किया था। उन्होंने आंकड़ों के आधार पर दिखाया है कि इस देश में सरकार के पास इतना जमीन है, सभी दलित भूमिहीन देहाती दलितों को खेती का जमीन देने की पर्याप्त जमीन है।
ये देना पड़ेगा, इसके लिए मुहिम चलाना पड़ेगा, मांग के बिना नहीं मिलेगा, संगठित मांग होना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। फिर इन जमीनात को सिंचाई का भी प्रबंध, ये भी वादा है प्रेसिडेंट का, ये वादा सब पूरा करना चाहिए। वादा देने के बाद 14 साल हो गए, वनवास का टाइम हो गया 14 साल, रामायण में वनवास 14 साल का है, तो अब अभिषेक होना चाहिए, सिंचाई होना चाहिए, जमीन मिलना चाहिए, इसका मुहिम बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल का 75% गांवों में है। फिर दूसरा, शहरों में जो शेड्यूल कास्ट के लेबर हैं, एक उदाहरण दूंगा मैं, हर शहर में कई ऑटो रिक्शा चलते हैं, ऑटो रिक्शा का मालिक कौन है, पूंजीपति, और पूंजीपति और पुलिस डिपार्टमेंट के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कुछ अफसर लोग। ये रिक्शा के मजदूर को मालिक बनाना चाहिए, उसका रिक्शा बन जाए, ऑटो रिक्शा बन जाए, उसका टैक्सी बन जाए, ये हो सकता है। इसके लिए बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं है, स्कीम्स है, कॉरपोरेशंस है, फाइनेंस है, मुद्रा है, ये सब इसके जरिए, ये जो द्वंद्वता है मालिक कोई मजदूर कोई, इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े फैक्ट्री में हो सकता है, लेकिन इस छोटे साइड में नहीं होने की जरूरत नहीं है। मैं ये उदाहरण के रूप में बताया। फिर अब मैं आऊंगा एजुकेशनल राइट्स, उसमें 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। बाबा साहब ने शुरू किया 1943 में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। यहां जो बैठे हैं कई लोग उसके जरिए शिक्षा प्राप्त की है। अब 11,000 करोड़ का बकाया पड़ा है, जिसका मतलब है पिछले 2-3 साल से कई लड़कों को लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं पहुंच रहा है, कई ड्रॉप आउट हो गए। ये अधिकार मिला, लेकिन अधिकार का एब्रिजमेंट जो अध्यक्ष साहब बोल रहे थे, धीरे धीरे इसको खींचना, तो हमें मांगना चाहिए बकाया वापिस करो। मैंने जेटली जी को लिखा है और सभी लीडरों को लिखा है और प्रसार भी किया है दलित मीडिया वॉच वगैरह से, या दलित नेटवर्क का भी कोई है एक वैभव कुमार, उनको भी ये सब प्रसार करना चाहिए। आप लोग उस पर आवाज उठाना चाहिए, गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, कि ये बकाया पूरा करो, आगे से बकाया मत रखो। फिर एक कानून, कई कानून संशोधन के बारे में बोल रहे थे, एक मुख्य संशोधन 2005 में एक मत से पारित हुआ, एक ही एब्सटेंशन था, वो था कि प्राइवेट सेक्टर के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेजेस, IITs, यूनिवर्सिटीज, इनमें भी रिजर्वेशन हो सकता है, होने का अधिकार, आरक्षण का प्रावधान रखने का अधिकार गवर्नमेंटों को देते हुए, सेंट्रल और स्टेट को देते हुए एक संशोधन 93rd अमेंडमेंट पास हुआ। उसमें पब्लिक सेक्टर है, सरकारी संस्थाओं में रिजर्वेशन का कानून पास हुआ, उसको डिफेंड किया गया। जो चीफ जस्टिस बोल रहे थे, मैं सुप्रीम कोर्ट में था उस वक्त, और सब लोगों को, लॉयर्स को, सॉलिसिटर को, सबको इनपुट्स दिया, जिससे हमें चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में बेंच था, उन्होंने एक मत से इसको अपहोल्ड किया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो होना चाहिए, जिसके लिए असल में ये संशोधन हुआ, वो कानून नहीं आ रहा है। कितने साल हुए, 2005 में, और अब 13 साल हो गए, और अशोक कुमार ठाकुर केस में जजमेंट के बाद 2008 में आया, उसके बाद भी 10 साल होने वाले हैं, ये मांग नहीं उठ रहा है, उठना चाहिए। फिर बाबा साहब ने और एक स्कीम शुरू किया था, ओवर स्किल स्कॉलरशिप स्कीम, जिससे SC और ST के नौजवान विदेशों में जाके यूनिवर्सिटी से अंबेडकर जैसे
क्वालिफिकेशंस पाके वापिस आके देश की सेवा अच्छी तरह कर सके। अब 100 स्कॉलरशिप है हर साल, पूरा नहीं होता, बकाया पड़ा है, कैंडिडेट्स नहीं मिलते। क्यों कैंडिडेट्स नहीं मिलते? शर्तें ऐसे रखते हैं, अगर आप कहे आर्मी में गोरखा को रिक्रूट करना हो तो 6 फुट से ऊपर वाले गोरखा को रिक्रूट कर, एक को गोरखा नहीं मिलेगा। गोरखे बहुत मशहूर हैं सेना में, लेकिन अगर आप 100 फुट का क्वालिफिकेशन रख ले हैं, तो आपको कोई नहीं मिलेगा। उसी तरह के शर्तें रखे गए हैं जिससे जो कैंडिडेट्स हो सकते हैं, इनकम लिमिट रखने से कई लोगों को डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं। तो 100 का 100 होना चाहिए हर साल, और जो बकाया पड़ा है वो पूरा करना चाहिए, और 100 काफी नहीं है। जितने लोग बाहर जाते हैं अपने बलबूते पर, उसका 15% शेड्यूल कास्ट और 7.5% शेड्यूल ट्राइब, कम से कम उतना यहां से तैयार होकर जाना चाहिए, भिजवाना जाना चाहिए, उतना रकम देना चाहिए। फिर और एक मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूं, ये चीफ जस्टिस साहब भी बोल सकते हैं, वे भी उस बेंच में थे, नागरा जजमेंट, जिसने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे मंडल जजमेंट के बाद, कुछ ऑब्जर्वेशंस आए मंडल जजमेंट में, उसको पार करने के लिए एससी एसटी के प्रमोशन राइट्स को बचाने के लिए 16(4)A एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, और भी 3 अमेंडमेंट्स थे। इन सबकी संवैधानिक वैधता के बारे में चैलेंज जो हुआ, वो केस है नागराज केस। तब चीफ जस्टिस साहब जज थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, तो उस बेंच ने इनको वैध ठहराते हुए कुछ ऐसे शर्तें रखे जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जिसके वजह से प्रमोशन नहीं मिल रहा। उदाहरण के तौर पर उन्हें कहा कि बैकवर्डनेस प्रूव करना चाहिए विद क्वांटिफाइबल डेटा, लेकिन शेड्यूल कास्ट बैकवर्डनेस से नहीं बने, शेड्यूल कास्ट का लिस्ट बना अनटचेबिलिटी के आधार पर, इसलिए अगर प्रूव करना हो तो अनटचेबिलिटी खत्म हुआ या नहीं इतना ही प्रूव करना चाहिए। लेकिन सबको मालूम है, अभी बोल रहे थे चीफ जस्टिस साहब, एक जमाना था चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे, लेकिन अब भी एक जमाना है कि अगर दलित मुच्छे रखे मार पड़ता है। पुराने जमाने में नहीं, 2017 में पिछड़े राज्य में नहीं, अगड़े राज्य गुजरात में और पिछड़े राज्य मध्य प्रदेश में किसी दलित महिला का साया किसी पर पड़ गया, मार पड़ा। फिर उत्तर प्रदेश में जगह में एक सफाई औरत गार्बेज किन को छुआ वो अपर कास्ट के, तो गार्बेज किन अपवित्र हो गया, उसको मार के जान से मारा गया। तो अनटचेबिलिटी इतना है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, शेड्यूल कास्ट अनटचेबिलिटी के शिकार होने की वजह से चिन्हित किए गए हैं, पिछड़ेपन के वजह से नहीं। न्यूमोनिया है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें इन्फ्लुएंजा है, ये प्रूव करो, बैकवर्डनेस बहुत गहरी चीज है अनटचेबिलिटी। वैसे ट्राइबल्स, उनका एथनिक आइडेंटिटी और दूर दराज क्षेत्रों में रहने से उनका जो डिसएडवांटेज है उसके वजह से आए हैं, पिछड़ेपन से नहीं। फिर क्रिमी लेयर का सिद्धांत पालन करना चाहिए, लेकिन 9 जज वाला बेंच ने ये आदेश दिया कि क्रीमी लेयर एससी और एसटी के लिए नहीं रहेगा, वो शब्द नहीं रहेगा। लेकिन नागराज बेंच 5 जज ने कह दिया कि क्रीमी लेयर यहां भी होना चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं, इससे प्रमोशन का राइट जो बना 16(4)A से गुजरात
उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, त्रिपुरा का, हर एक रिजर्वेशन एक्ट अवैध ठहरे जा रहे हैं। तो दाहिने हाथ से जो दिया गया 16-4A से, वो बाएं हाथ से वापस लिया जा रहा है। प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। अब ये केस चलने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो जा रहा है, तो मैं, मेरी मदद उन्होंने मांगा है, मैं दे रहा हूं कि एससी कैसे चिन्हित हुए, एसटी कैसे चिन्हित हुए, और सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए बैकवर्डनेस रेलेवेंट है। लेकिन वो केस बैकवर्ड क्लास का नहीं है, ये नागराज केस। नागराज केस में बैकवर्ड क्लास का शर्तें यहाँ लाया गया, जिससे एसी एसटी को नुकसान हो रहा है। तो ये, ये एक उदाहरण है जैसे प्रोटेक्शन होना चाहिए। फिर और एक चीज है, डेवलपमेंट के लिए कहाँ से पैसा आएगा? पैसा है, कैसे है? ये राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी के लेवल पर गवर्नमेंट जो भी हो, माना गया है कि बजट का, डेवलपमेंट का जो प्रावधान है, उसका आबादी के अनुपात के समान कम से कम उतना रकम एससी एसटी के लिए खर्चा होना चाहिए। और मैंने जो कानून बना के सभी गवर्नमेंट को दिया है, नेशनल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पिछले गवर्नमेंट को, वर्तमान गवर्नमेंट को, इनको सबको दिया है, ये है कि ये जो एससी एसटी का रकम है अलग रखो, अलग रखे उनके लिए जो चाहिए वही उसमें रखो, ऐसे स्कीम्स रखो जिसका फायदा सीधे एससी एसटी को, सिर्फ एससी एसटी को मिले, ऐसा स्कीम रखो जिससे एससी एसटी और ऊंचे समाज के बीच में जो अंतर है हर मापदंड में, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रेजिडेंशियल, इस सब में अंतर मिटाने वाली स्कीम, क्योंकि अंतर मिटाना है तभी समानता बनेगा। तो एससी पीडी पर लेजिस्लेशन, ये बातें सब होना, में कुछ उदाहरण बताया, मुख्य चीजें बताया, और भी कई चीजें हैं। ये सब हासिल करना हो तो संगठित रूप से जो 30 करोड़ एससी और एसटी है इस देश में, संगठित आवाज, ऊंची आवाज, सशक्त आवाज, लेकिन पीसफुल आवाज, डेमोक्रेटिक, ये उठना चाहिए। तो ये काम हम सबका है, जिम्मा है, और ये जो फोरम है, फोरम इसको स्पीयरहेड करना चाहिए गवर्नमेंटों से, जिससे ये अधिकार जो नहीं आए हैं वो आना चाहिए, जो आके ट्रंकेटेड हैं वो ट्रंकेटेड चला जाना चाहिए, और जो अधिकार एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से दिया जाता है वो बंद होना चाहिए, और ये सब अधिकार पूर्ण रूप से मिलके एससी एसटी और ऊंचे समाज के बीच में जो अंतर है, ये अंतर मिटके समानता का जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसका मुख्य प्रिंसिपल है इक्वालिटी, उसका रास्ता है सोशल जस्टिस, ये हमें हासिल हो जाए। नमस्कार।